तो गूगल सीट के अंदर आज हम बात करेंगे फाइल मेनू के। देखिए, जैसे आपका एक्सेल का फाइल बनता है, ऐसे ही गूगल सीट का भी फाइल बनता है। बस गूगल सीट की जो फाइल है वो ड्राइव में होती है, और ड्राइव के अंदर एक्सेल की फाइल होती है, गूगल सीट की फाइल होती है। एक्सेल की फाइल को भी गूगल सीट पे सेम तरीके से ओपन होता है, बट एक्सेल की फाइल में एक्स लगा रहता है, मतलब कि एक्सेल की एक्सटेंशन रहती है, लेकिन गूगल सीट में आपका गूगल सीट के जो क्रॉस अपना सिंबल होता है जो गूगल सीट में बना रहता है। तो जैसे आप एक नया सीट क्रिएट करते हैं, ऊपर अनटाइटल स्प्रेडशीट आता है, यहीं पे आप अपना नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया डेटा फाइल, राइट सर। ठीक उसके बाद है। ये आता है कि स्टोर कहाँ है, ये स्टोर आपका कहाँ है। तो इस स्टोर के लिए यहाँ पे आपका ड्राइव में स्टोर है। अब इसको मूव कर सकते हैं कि आप ड्राइव के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मूव कर सकते हैं, राइट सर। क्योंकि ठीक ये मेन ड्राइव में किसी फोल्डर में नहीं है, आप उसको किसी फोल्डर में कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइव भी एक तरह से आपका एक्सेल फोल्डर ही होता है ना सर। हाँ उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है सीट होम, जब इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे होम शीट पे आ जाए, जहाँ से आप अपने ठीक बनी हुई एक्सेल फाइल का लिस्ट देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सेल फाइल ही दिखेगा। जब ड्राइव में आप आते हैं तो ड्राइव में एक्सेल फाइल के अलावा पिक्चर्स, फोल्डर सब दिखता है। लेकिन डन। शीट होम पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ सिर्फ एक्सेल या एक्सेल की शीट या गूगल शीट की शीट ही दिखती है, बाकी कुछ और नहीं दिखेगा, दिखा राइट सर। ठीक है। बैक आते हैं, अब बात करते हैं हम फाइल में। दूसरी चीज, अगर फाइल किसी को भेजना हो तो दो तरीके हैं, एक तो डाउनलोड कर लीजिए या शेयर कर और दीजिए। उसको मेल कर दीजिए या शेयर कर दीजिए। तो फाइल के अंदर हम आते हैं, सबसे पहले न्यू आता है, न्यू स्प्रेडशीट आप लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने ड्राइव से लिया था ऐसे आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कंट्रोल एन टाइप का, या फिर आपको फ्रॉम टेम्पलेट फॉर गैलरी, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी से कोई टेम्पलेट उठा सकते हो। ये टेम्पलेट के बारे में हम आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया भी था। हाँ, उसके बाद तो बहुत सारे बने हुए हैं। यहाँ पे ओपन। अब बात आती है कि ओपन करने से क्या एक्सेल की तरह वो आपका ड्राइव खुलेगा? जी नहीं। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन फाइल का ये पॉपअप आएगा, इसमें माई ड्राइव, आपकी जो ड्राइव में फाइल है वो फाइल यहाँ पे दिखेगी, इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसका था शेयर ठीक विथ मी। अब माई ड्राइव और सेव विथ मी में क्या अंतर है? देखिए, है। माई हाँ ड्राइव में मतलब हुआ कि आपने जो फाइल क्रिएट किया है या अपलोड किया है वो आपका फाइल है। तो ये जो शेयर जब ठीक करते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी को शेयर करते हैं यहाँ से, या कोई आपको शेयर करता है, तो वो शेयर विथ मी वाले फोल्डर में ऑटोमेटिक चला जाता है, ओके। ठीक है। तो यहाँ से कोई फाइल रन करता है या स्टार्टेड। अब स्टार्टेड क्या होता है, कोई फाइल आपको अगर मान लीजिए इम्पोर्टेंट है तो आप उस पे स्टार कर देते हैं यहाँ। स्टार लगा देते हैं। अब स्टार यहाँ से नहीं लगता है, फाइल यहाँ पे दिख रहा है एड टू स्टार्टेड। तो स्टार्टेड मतलब मान लीजिए कि आपके पास 100-200 फाइल है, लेकिन उसमें से 4-5 फाइल ऐसे जो ब्राउज़र आप ओपन करते रहते, ठीक तो है। लेकिन खोजनी आपको ड्राइव में जाके ब्राउज़र खोजनी पड़ती है ना सर। पड़ती है। हाँ तो आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो स्टार वाले सेक्शन में चला जाता है। रिसेंटली जो आपने फाइल ओपन की है उसका लिस्ट यहाँ आएगा, कि रिसेंटली आपने जो भी फाइल ओपन की है सबका लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप चाहते कि नहीं, कोई एक्सेल फाइल या गूगल सीट की फाइल या कोई भी फाइल आपका सिस्टम में पड़ा हुआ है उसको अपलोड करना है, तो आप कंप्यूटर से यहाँ से फाइल को आप उठा के अपलोड कर सकते हैं। ठीक चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ। मैंने पावर क्वेरी पे एक डेटा है, पावर क्वेरी फंक्शन का, इसी डेटा को उठा के हम अपलोड करते हैं, एक्सेल की फाइल है, ठीक है सर। ठीक ये अपलोड हो गया और ये हमारा ओपन भी हो गया। ओके। ये गूगल शीट में ओपन भी हो जाएगा। हाँ, गूगल सीट में ओपन हो जाएगा। अपलोड ओपन ही तो कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ओपन करें तो हाँ ओपन ही होगा हाँ ना सर। ठीक है ठीक है। हाँ हमको हाँ जस्ट एक्सेल की फाइल अपलोड आपने करना है गूगल तो हम ड्राइव में जाके यहाँ से अपलोड कर देंगे न्यू में, हाँ ठीक लेकिन हमें तो ओपन करना है ना, तो ओपन विथ अपलोड दोनों साथ साथ हो जाएगा। कहाँ से? आपकी गूगल शीट से। ओके, फिर ठीक है ठीक आता है इम्पोर्ट। है।
अब मुझे अपलोड नहीं करना है, मुझे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने में भी वही चीज होता है। और बोले सर इंपोर्ट में क्या चीज होता है, चलिए हम इंपोर्ट के बारे में एक बार जानते हैं। हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक फाइल, जैसे मान लीजिए हमने इसी फाइल को सेलेक्ट कर लिया, अटेंडेंस शीट को, एंड सेलेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इंपोर्ट करते हैं ना, तो आपकी अगली नई फाइल नहीं बनती, जैसे यहाँ पे देखिए एक नई इंपोर्ट करते एक नई फाइल बन जाती है ना सर। ठीक है, अपलोड करते हैं। हाँ, आप ओपन करते हैं, ओपन में जो अपलोड करते हैं तो क्या होता है, एक नई फाइल बन जाती है ना। ठीक है, हाँ इसमें आप क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, इंसर्ट न्यू शीट्स, रिप्लेस शीट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंसर्ट न्यू शीट। न्यू सीट। एंड जैसे इसको इंपोर्ट किया, आप यहाँ में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सीट इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक बार ये अच्छा, मेरे को फिर से बताओगे आप? मैं नहीं समझा इसको। जैसे मैं बताता हूँ, आपने ओपन समझ में आया, हाँ, ओपन समझ में आ गया। ओपन क्या करता है, एक नया सीट ओपन कर देता है। ठीक नया शीट ओपन नहीं करता है, आपकी कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करता है, न्यू तो न्यू करता है ना। ओपन क्या करता है, हाँ आपके ड्राइव में या आपके पीसी में कोई फाइल पड़ा है उसको ओपन करता है। ओपन कर देता है। ठीक जैसे है, मैंने 9:30 को सेलेक्ट करके ओपन किया, जब ओपन किया तो इसने एक न्यू विंडो में ओपन किया, इसने हाँ एक न्यू अलग विंडो में से फाइल ओपन ओपन किया। बात किया। समझ में आया। हाँ लेकिन मान लीजिए कि मेरा कोई डेटा है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी सीट के अंदर आ जाए। ठीक है, समझ में आया आपको नहीं सर, मतलब कि ये जो है पीक्यू जैसे। डेटा है ना वो इसी के अंदर डालना चाहता हूँ मैं, एक नया फाइल ठीक में मुझे है। ओपन नहीं करना है, तो जस्ट कॉपी पेस्ट टाइप सर। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कोई डेटा उठा रहा हूँ, मैं कोई भी एक एक डेटा आउट पकड़ लेता हूँ, मैं जैसे इसी डेटा ब्लॉक चार्ट है ना सर, इसी को लिया और यहां सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आता है कि क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, मतलब कि अलग से जैसे फाइल नॉर्मली हम ओपन करते हैं तो होता है वो चाहिए, या आपको ठीक इसी है। सीट पे इंपोर्ट करना है। हमने बोला इंसर्ट न्यू शीट, इसने क्या किया कि उस फाइल की पूरी डेटा को, यहाँ शीट 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे हाँ शीट 4, उसके अंदर जितने भी शीट थे सारे शीट का डेटा, सारे शीट्स को इसी फाइल के अंदर पीक्यू डेटा के अंदर ही कॉपी कर दिया। ठीक है, समझ गया। समझ गए ना, तो हाँ ये इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। मेक ए कॉपी, इसी की एक अलग कॉपी बनाना चाहते हैं। हाँ समझ में आया, ये तो बताने की जरूरत है, वो समझ में आ गया आपको। मेक अ कॉपी मतलब यही है कि सेव एज। जी, सेव एज टाइप। उसके बाद शेयर, अब शेयर में यहाँ पे आता है शेयर ऑन पब्लिक, मतलब मुझे फाइल को पब्लिकली शेयर करना है। लिंक पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे पब्लिश, यहाँ पे ओके। अब इस फाइल को इस लिंक के माध्यम से कोई भी देख सकता है, उसको जीमेल की लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, नहीं एनीबॉडी ओपन द फाइल और इसको देख सकता है। लेकिन क्या इसको डाउनलोड कर सकता है, जी नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, वेबसाइट के तो जी हाँ, जैसे वेब पेज फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे डाउनलोड वेब नहीं हो व्यू सकता। है, ये अगर मैं वेब व्यू की जगह, डाउनलोड बोलिए क्या बोल रहे, डाउनलोड नहीं हो सकता है। नहीं इसमें ऑप्शंस है, जैसे अगर कॉमा सेपरेटर CSV कर दिया आपने, अब मैं इसको कॉपी करता हूं, और इसमें हम पेस्ट करते हैं। आप देखिए CSV फॉर्मेट में आ गया ना, ये डाउनलोड हो गया। मुझे सर, समझ गया। तो आपको डिसाइड करना होता है क्या आप इसको टाइप TSV फॉर्मेट में, या आपको PDF में, या एक्सेल में लिंक बनाना चाहते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे उसी का लिंक बनेगा और उसी से ही डाउनलोड होगा। ठीक है।
समझ गया। तो ये आपका पब्लिश ऑन वेब का ऑप्शन था। अब बात है मुझे इसको किसी को ईमेल करना, ईमेल दिस फाइल, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ईमेल हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया आईपीटी ठीक है, क्लिक किया और यहाँ पे जो डेटा डालना है डाल दीजिए, सब्जेक्ट फाइल, और इसको सेंड कर देते। जैसे सेंड करते हैं, अब यहाँ पे सेंड जो कॉपी कर रहा है नजर, इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए आपका फाइल अभी थोड़ा देर में आ जाएगा। आ गया सर, ये आ गया था, मैं दोबारा रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पी को डेटा आ गया बट पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। हाँ, ये अभी पीडीएफ फॉर्म में आया। ये दिखा आपको सर। तो प्रॉब्लम है कि मेल किससे आई है, मेल मेरे ईमेल आईडी से नहीं आई है सर, मेल आया है भाया अच्छा, गूगल सीट, दिख रहा है सर? सकता मतलब कि है। मैं अपने सेंड आइटम में जाऊं, हाँ मेल किया हुआ है सर, मेल आईडी मेरी ईमेल आईडी से गया है सर, क्योंकि तो मेरे सेंड में आ रहा है ना सर, देख रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो आपके मेल आईडी में सेंड पे आएगा। फिर फाइल में ये ठीक आपका ईमेल होता है, ईमेल दिस फाइल। उसके बाद डाउनलोड, आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं। रीनेम, रीनेम तो आखिर में यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप फाइल को कर सकते हैं और बस यहाँ बस से भी रीनेम कर ठीक सकते ठीक हैं। तो यहाँ से भी है। मूव कर सकते हैं आप, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ऐड सॉर्ट पे मूव भी स्टैंड, मूव मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो नहीं आप? नहीं नहीं मूव जैसे कि आपकी ड्राइव में फोल्डर भी तो होते हैं ना, देख रहे फोल्डर? अच्छा, उसी मूव की आप बात बता रहे हो क्या, जब हाँ अभी हाँ आपने बताया था? ठीक हाँ है ठीक है ठीक। तो सेम थिंग यही यहाँ भी होता है कि आप यहाँ से मूव कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक ऐड टू शॉर्टकट ड्राइव, मतलब कि आपके मान लीजिए बहुत सारे फोल्डर के अंदर है, आप चाहते हैं कि बाहर ही आ जाए जो शॉर्टकट बन के, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना बन के आया हुआ है शॉर्टकट, हाँ तो इस पे क्लिक कर सकते हैं तो शॉर्टकट बन जाएगा, ताकि बार बार आपको इतने सारे फोल्डर के अंदर जाना ना पड़े। मूव टू ट्रैश, मतलब इसको डिलीट करना है आप, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो परमानेंट से डिलीट नहीं होता है, ट्रैश वाले फोल्डर में चला जाता है, जब तक कि आपने एम्प्टी ट्रैश नहीं करते हो। जैसे एग्जाम्पल, अब मान लीजिए मेरे ड्राइव में 930p दिख रहा है ना, मुझे इसको डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया ना, रिमूव होने के बाद ये चला गया ट्रैश, आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ आके इसको रीस्टोर कर सकता कर सकता हूँ। हूँ। लेकिन अगर इसके अंदर डिलीट हो गया तो रीस्टोर नहीं कर सकता, समझ गए? कि वर्जन हिस्ट्री, आप इसकी मान लीजिए इसकी होता है कि कौन कौन वर्जन इसका यूज किया गया है, उसका हिस्ट्री दिखा देता है कब कब, यहाँ दिख रहा है ना आपको तो? कब फाइल बनाया करेंट था, क्या वर्जन था क्या नहीं था, मुझे ओरिजिनल देखना है, तो ओरिजिनल एक्सेल फॉर्मेट जो था वो एक्सेल फॉर्मेट ओरिजिनल आपको दिख गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक ये चीज़ आप कर सकते हैं वर्जन हिस्ट्री से। ठीक यहाँ पे मार्क के अवेलेबल ऑफलाइन, अगर ऐसा कर देते हैं तो इस फाइल को आप ऑफलाइन पे भी वर्क कर सकते हैं, ये आपका फाइल सेव नहीं होगा। सेव कब होगा? जब आपका फाइल ऑनलाइन आएगा तो ऑटोमेटिक सेव सेव कर देगा। मैं उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकता हूँ, कोई आप यूज कर करेक्शन सकता हूँ वगैरह कुछ कर भी? सकते हैं, लेकिन ड्राइव पे नहीं जाएगा। ड्राइव में और कब जाएगा? जब इंटरनेट कनेक्ट होगा। हाँ, तो मैं इस पे काम करके इसको छोड़ दूंगा, बंद करके सिस्टम चला गया घर, फिर 2 दिन बाद अगर मैं ऑनलाइन जैसे करूंगा तो अपने आप ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। जी, डिटेल्स तो बस आपकी फाइल की डिटेल बताती है, क्या है, कब बनाया, कब मॉडिफाई हुआ, प्रॉपर्टी टाइप का। डन डन। और यहाँ सेटिंग, ये आपके एक्सेल की सेटिंग होती है कि आपका जनरल सेटिंग, कि आपका कौन सा कंट्री का है, टाइम टाइम जोन कौन सा है, वो यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे से इंडिया का टाइम जोन है तो इंडिया का टाइम यूज कर, ताकि डिफॉल्ट टाइम वगैरह आपका आता रहेगा।
ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑन चेंज है या फिर चेंज एवरी मिनट है, ये इसके बारे में आगे हम बताएंगे आप कैलकुलेशन के बारे में, फिलहाल इस पर इग्नोर कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपके सामने प्रिंट आता है, तो इसको आप प्रिंट कर सकते हो फाइल कोई। ठीक है, प्रिंट की सेटिंग वगैरह है कि करेंट शीट या कोई वर्कबुक या सिलेक्टेड कॉलम करना चाहते हो, ये आपका पेपर साइज कौन सा है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, 100% पे करना चाहते हो या साइज को कम करना है, मार्जिन नॉर्मल है या नैरो है। ठीक है, फॉर्मेटिंग ठीक वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको आगे हम जो पेज सेटिंग में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, फिलहाल इसको भी ध्यान उतना मत दीजिए। ओके, तो आज हमने फाइल मेनू बार के बारे में पढ़ लिया, अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट सर, है कल की क्लास में हम जो बाहर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन सब के बारे में बताएं। ओके सर, चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कल आपको कुछ काम भी देंगे, आज तो नहीं दे रहे क्योंकि आज इस फाइल का ऑप्शन है, तो उसको ट्राई कीजिए। तो अंदर एक 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 टॉपिक वन बाय वन करेंगे। ठीक है सर, हाँ, पर सर कोशिश करना कि मेरा 2 महीने 2.5 महीने में कंप्लीट हो हाँ जाए हो जाएगा, एटलीस्ट, हो जाएगा, क्योंकि हाँ ठीक ठीक है सर, धीरे धीरे स्पीड पकड़ूंगा चलो ना सर, हाँ हाँ वो तो पता ठीक है। है, चलो ठीक है, बाय सर, थैंक यू।